Hi guys, good afternoon. Welcome back to our channel, Unacademy Studios Vault. This is our special class, the Hindu class. Okay, please check the sound is okay and everything is fine. Okay, start sharing with everyone. My name is Narendra Kumar. All right, सबको पता चल गया है ना चैनल के बारे में, क्लासेस के बारे में, और आप लोग जल्दी से शेयर कर दो इसको सबके साथ में, ठीक है? आज भी बहुत स्टोरी करने वाले हैं. आज दो क्वेश्चन है हमारे पास में. वी विल फाइंड आउट द टाइटल एंड द टोन एज वेल. देखते हैं टोन कौन सही पकड़ता है. और बहुत अच्छे अच्छे वाले वर्ड्स हैं मेरे पास में, ठीक है? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को एनालाइज करना होना चाहिए था, कीवर्ड अप्रोच पता होना चाहिए, एंड ग्रामर पता करेंगे एंड वोकैबुलरी भी. ओके, स्टार्ट शेयरिंग विद एवरीवन. ओके ओके, कौन ब्लॉक हो गया, कोई बात नहीं, चलो वंडरफुल, स्टार्ट कर देते हैं क्विकली. तो गाइस, दिस इज़ अ वंडरफुल टीम, अन अकेडमी स्टूडियो वर्ल्ड. फॉलो ऑल दिस वंडरफुल एजुकेटर्स. एंड आज 3 से 4 बजे अन अकेडमी ऐप फ्री क्लास है आप सबके लिए. ओके, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. फॉर्मल ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इनफॉर्मल फिर मैं दोनों को रिविजन भी करा दूंगा. तो ये मार्क्स तो श्योर करो, देन वी विल फोकस ऑन द ऐसे राइटिंग पार्ट. ऐसे राइटिंग की ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स भी आपको मैं कराने वाला हूँ. तो रेडी हो ना सब लोग? चलो, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग कहाँ चलता रहेगा? अन अकेडमी ऐप. सो डाउनलोड द अनअकेडमी ऐप एवरीवन. ऑलराइट, फिर मैं पैराजम्बल जो पढ़ाता था वो कंटिन्यू करने वाला हूँ. यहाँ पर द हिंदू चलता रहेगा 12 से 1. क्लियर एवरीवन? आई होप सबको इन्फॉर्मेशन याद रहेगा ये वाला. हाँ, ये है अनअकेडमी ऐप, डाउनलोड करो इसको, नहीं तो आप वो क्लास मिस कर दोगे, पैराजम्बल क्लास मिस कर दोगे, नॉन स्टॉप 1 आवर. एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव जब तक आपका परफेक्ट नहीं हो जाएगा मैं स्टॉप नहीं करूँगा. ऑलराइट, एंड दोज गाइज हु वॉन्ट टू परचेज माई प्लस कोर्स, माई पैट कोर्स, माई डिटेल्ड क्लासेस, ओके, यूज दिस कूपन कोड, अभी इनरोल कर लो, स्टार्ट वॉचिंग, ठीक है? यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल. चलो, सो गाइज, ये आपको पता है क्लास क्या चलने वाला होता है, ठीक है? अभी मैं इसमें बहुत कुछ करने वाला हूँ, समरी भी लिखवाऊंगा लेटर ऑन, मे बी नेक्स्ट वीक. ऑलराइट, मैं इसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बना के लेके आया करूँगा. वैसे करंट अफेयर का मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से आपको करवाऊंगा कीवर्ड्स के थ्रू, कि हम लोग टेक्स्ट को कम टाइम में कैसे एनालाइज कर सकते हैं. ऑलराइट, बहुत कुछ करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट, यस, वोकैबुलरी, यस, टोन, यस, एंड टाइटल. रेडी? चलो, गो फॉर इट. मोनू ठाकुर, पूरा होगा अगर आपने प्लस कोर्स एक बार पूरा वॉच कर लिया, 20 डन है. नहीं तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे बात कर लो, पता चल जाएगा आपको. ऑलराइट, चलो स्टार्ट हो जाओ. पूजा यादव, हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द क्लास, गो फॉर इट. वी हैव अ पैराग्राफ, इट्स अ न्यू पैटर्न एरर्स, यू समझ लो आपको. ओके, प्लेइंग विद द लैंग्वेज, चेक ऑल योर अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल्स, टेंस, ओके, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, पैरालिज्म, मॉडिफायर्स, एडवर्ब्स, ठीक है ना, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, सबको चेक करो यहाँ पे, कितना आप जानते हो. नंबर ऑफ एरर्स देखते हैं कौन बताता है. अगर आपने सही बता दिए तो यू कैन, यू आर द चैंपियन. चलो क्विकली, बी, ओके, बी क्विक. बी क्विक गाइज. रीड करो, फाइंड आउट हाउ मैनी एरर्स. रिमेंबर, जब आप इसको पढ़ रहे हो मेक श्योर कि यू आर पिकिंग अप द कीवर्ड्स एज वेल. ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क द टाइटल ऑफ दिस पैसेज. मेरे पास 5-6 पैराग्राफ्स हैं, उसका टाइटल पूछने वाला हूँ, टोन भी पूछने वाला हूँ, ये दो नंबर श्योर कर लो, और ग्रामर रिविजन कर लो, और वोकैब सीख लो. ऑल राइट गाइज, क्विकली शेयर कर दो सबके साथ में. चलो, 2-2 मिनट है आपके पास में, ठीक है? देन आई विल टेक 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन. पूजा यादव, वेलकम टू द क्लास. सोहन, चेत्रा मीना, वंडरफुल. जल्दी से स्टार्ट हो जाओ सब लोग.
कहाँ कहाँ पे एरर लिख रहा है, बोलते जाओ, लिखते जाओ, मैं चेक कर रहा हूँ आपके कमेंट्स। सब लोग लिखो कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या एरर मिल रहा है, देखते हैं हमारे पास कितने चैंपियंस हैं। आई होप सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके उत्कल ने काफी कुछ लिखा है। रेस्ट ऑफ द गाइस क्विकली, गाइस डिस्कस करें, आर यू डन? हेलो एवरीवन, प्लीज लेट मी नो आर यू डन। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है। आई थिंक आपने कर लिया। ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। तो देखते हैं सबसे ऑब्वियस एरर कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे ऑब्वियस एरर देखते हैं, आओ चलो चेक करते हैं। विद स्टॉर्म, ठीक है ना, क्लाउड्स गैदरिंग एट द वर्ल्ड इकोनॉमी, ओके, ठीक है। ये एट दिखा रहा है, चलो। अब क्लाउड्स एट होता है, क्लाउड्स ओवर होता है, क्या लगता है बताओ, चेक करो फर्स्ट, जल्दी से क्विकली आंसर बताओ सब लोग, ठीक है। क्लाउड्स हो सकता है मल्टीपल, स्टॉर्म क्लाउड्स कैसे वाले क्लाउड्स हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो स्टॉर्म एडजेक्टिव है, क्लाउड्स नाउन हो गया। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स सजेस्ट कर रहा है, विद डिफरेंट क्लाउड्स गैदरिंग एवरीवन, यस राजा लक्ष्मी, वंडरफुल, ठीक है ना। तो फर्स्ट सजेशन हमारे पास में क्या है, ओवर, ठीक है, ये वाला। ऑलवेज चेक प्रिपोजिशंस, हमेशा प्रिपोजिशन भी चेक करो, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, इनटू, ओवर, क्या जाएगा डाउन, ठीक है ना। तो यहां हमारे पे क्या आने वाला है, ओ वी ई आर, सिंपल था कि नहीं पहला एरर, ओके। नेक्स्ट देखो, विद द स्टॉर्म क्लाउड्स गैदरिंग ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी, ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स इन डिसरे, और डिसरे जानती हो, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, ठीक है। जस्ट रूम में सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, तो डिसरे हो गया, ठीक है, नॉट इन ऑर्डर, ऑलराइट, इन डिसरे। एंड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ओवर द रेलिवेंस, ओके, ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट। अब ये देखो, नेक्स्ट इधर किसी को पता चला, गाइज नाउन ऑफ नाउन, इधर देखो, समिट ऑफ लीडर्स, प्लीज टाइप नाउन ऑफ नाउन, एन ओ एन लिखो, एन ओ एन अप्रोच, ठीक है। मैंने बोला हुआ है कि अगर यहां पे अनाउंस हो कर रहा है, ये ऑफ लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये नाउन है, तो यहां पे द आर्टिकल आता है, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन पर थ्री रूल्स होते हैं, मैं तीनों बताऊंगा आपको, रिवाइज करने वाला लोग, ऑलराइट। चलो देख लिया सबने, द समिट ऑफ लीडर्स ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ओके, अफ्रीका, कुड नॉट हैव कम। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, तो देखो कुड नॉट, ये क्या होगा, हैव कम होगा, ऑलराइट। यहां पे आर्टिकल द होगा, यहां पे प्रिपोजिशन चेक करना था हमको, चलो, ऑन अ मोर अपॉर्चुनेट टाइम, ब्रिक्स, अब देखो हैव होगा कि हैज होगा, यहां पे बताओ, ब्रिक्स एक सिंगल सिंगल आइडेंटिटी एंटिटी, ओके, सिंगल्स, तो यहां पर सिंगुलर सेंस में यूज हुआ है, सबने चेक किया, ये बताओ, स्लोली स्लोली सारी, पहले ऑब्वियस एरर देखते हैं, फिर दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग। तो ब्रिक्स हैव प्रूव्ड, ओके, इट्स नेसेयर्स रॉन्ग सिंस द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग द वर्ल्ड्स, ये क्या होगा, एपोस्ट्रफी होगा,
एपोस्ट्रफी. वर्ल्ड्स फाइव इमर्जिंग इकोनॉमीज वॉज, ये देखो कॉन्ड, ठीक है, ये होगा सी ओ आई एन ई डी. टाइप करो कितने लोगों ने कॉन्ड पकड़ा था ये वाला. ये पता है कॉन्ड क्या है? सी ओ डेन. कॉनमैन होता है ना, जो ट्रिक करते हैं, डिसीव करते हैं आपको, धोखा देने वाले कॉनमैन, ठीक है. तो वो लोग जो आपको ट्रिक करने वाले होते हैं वो होता है कॉन्ड. सी वॉज कॉन्ड, सी ओ डब्ल्यू मतलब उसको ट्रिक कर दिया गया था. क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, हमें क्या चाहिए? द टर्म वॉज कॉइंड, पहली बार बोला गया था. ऑलराइट, चेक करो. क्लियर? चलो ओके बाई, ठीक है ना. कंसल्टेंट, अब देखो कितने कंसल्टेंट है, चेक करो प्लीज. हाउ मेनी कंसल्टेंट, वन और मोर देन? अगर मोर देन होता तो कंसल्टेंट होता. अगर दिस इज ओनली वन पर्सन, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन एंटिटी, तो ए लगाएगा कि नहीं? मैंने बोला हुआ है कि व्हेनेवर देयर इज अ सिंगुलर नाउन ऑलवेज पुट आर्टिकल ए, याद करो. तो बाय अ कंसल्टेंट, ये मिस्टेक है, चेक करो. तो मैं ये क्या सिखा रहा हूं इस पैराग्राफ्स में आपको, कि कैसे हर टर्म को वेरीफाई करना है. सिंगुलर ओके फाइन, प्लूरल ओके, पजेसिव ओके, आर्टिकल ओके, सिंगुलर प्लूरल ओके, समझ गया ना सब लोग? इस तरह से बाय अ कंसल्टेंट. अब ये क्या होगा? टू डेकेड्स होगा, चेक करो सब लोग क्विकली, चेक करो ये वाला. ये देखो डेकेड्स होगा. अब कैसे पता चला डेकेड? टू लिखा है ना, टू, तो टू डेकेड्स होगा. क्लियर हुआ? ऑलराइट, ठीक है. वॉज कॉइंड बाय अ कंसल्टेंट टू डेकेड्स एगो, इतनी. अब कितना मिस्टेक हो गया सब लोग चेक करो, टोटल मिस्टेक बताओ कितनी होगी हमारे पास में. स्टॉर्म क्लाउड्स गैदरिंग ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी, ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स इन डिसएरे एंड क्वेश्चंस ओवर द रेलिवेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. द समिट ऑफ लीडर्स, द समिट ऑफ लीडर्स ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ओके वेरी, कुड नॉट हैव कम, हैड नहीं हो सकता, कुड हैव ही होगा, हैव कम, ठीक है. अब सुनो, अब टाइम के लिए ऑन आता है कि एट आता है, चेक करो यहां पे ये वाला पार्ट, इसको भी चेक करो, प्रीपोजिशंस को भी चेक करना सीखो. सारी दुनिया छोड़ के ये वाला सेशन देखो आप सब लोग, सबको बताओ. देखो कुड नॉट हैव कम ऑन अ मोर ऑन टाइम या फिर एट अ टाइम, एट होगा, ठीक है. ये वाला प्रीपोजिशन क्या होगा? एट होगा. क्लियर हुआ? तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टोटल नाइन एरर्स निकली यहां पे. प्लीज टाइप ऑल नाइन क्लियर. अगर कुछ क्लियर नहीं तो पूछोगे सर वाई डेकेड्स, सर वाई कॉइंड, सी वाई एन ई डी कॉइंड, ओके, सर वाई अ कंसल्टेंट, एट अ टाइम, ठीक है, हैव कम, द नाउन ऑफ नाउन, ओवर द वर्ल्ड. जल्दी बताओ. क्लियर हो गया? टोटल नाइन एरर्स निकला इसमें. तो प्रीपोजिशन एरर निकला, नाउन ऑफ नाउन निकला, प्लूरल निकला, पजेसिव केस निकला, और क्या था, आर्टिकल भी था, और ये टेंस वाला भी था, वर्ब फॉर्म, तो सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा. क्लियर सबको? रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज. नेसेयर जानते हो, जो निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं, कमियां निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. ऑल राइट, गोल्डी में बता देता हूं, नाउन ऑफ नाउन में पहले वाले नाउन पे आर्टिकल द लगता है, सेकंड वाले पे ए लगाओ, द लगाओ, कुछ भी लगाओ, डिफरेंट स्टोरी है. नाउन ऑफ नाउन, तो आई एम कंसर्न विद द फर्स्ट नाउन ओनली. उस पर तीन रूल है यार, मैं तीनों रूल एक साथ आपको बताऊंगा, ठीक है. चलो फिलहाल ये समझ लो कि अगर देयर इज अ नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर तो फर्स्ट नाउन विल ऑलवेज टेक आर्टिकल द. ऑलराइट ऑलराइट ओके, व्हाई द समिट द लीडर कहाँ है? विद स्टॉर्म क्लाउड्स गैदरिंग ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी, फोकस करना सब लोग, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. व्हाई स्टॉर्म क्लाउड्स गैदरिंग एट द ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी, ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स इन डिसएरे, ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स क्या है, खराब हो गए, ओके, एंड क्वेश्चंस ओवर द रेलिवेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के रेलिवेंस पे कि ये क्यों है, क्यों बनाया गया, उस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, ओके, ठीक है. द समिट ऑफ लीडर्स,
द समिट ऑफ लीडर्स, लीडर्स का जो समिट होता है, जो उनका मीटिंग होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। द समिट ऑफ लीडर्स, नाउन ऑफ नाउन करेक्ट है, सुन लो आराम से। द समिट ऑफ लीडर्स ऑफ, अब कहाँ के लीडर्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वी कॉल इट ब्रिक्स, ओके। कुड नॉट हैव कम ऑन ए टाइम, एक जो समिट आई है, जो एक मीटिंग आई है उनकी, कुड नॉट हैव कम, ठीक है, ऑन ए मोर अपॉर्चुन टाइम, इससे बेटर टाइम पर नहीं आ सकती थी, ऑल राइट। ब्रिक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एक, हाँ, सब कुछ होगा, आप वॉच वॉच करते रहो। समिट ऑफ द लीडर्स ऑफ ब्रिक्स, समिट ऑफ द लीडर्स ऑफ ब्रिक्स, भाई कहां चेंज कर रहे हो, मैंने बोल दिया कि यही है, द नाउन ऑफ नाउन है, ऑलराइट। चलो, कुड नॉट हैव कम ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, ब्रिक्स हैज, अब यहां पे क्या होगा, हैज सिंगुलर, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ देख रहे हैं हम लोग, सिंगल यूनिट, तो ब्रिक्स हैज प्रूव्ड इट्स नेसेयर्स रॉन्ग सिंस द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग द वर्ल्ड, ओके, आइडिया ऑफ ग्रुपिंग द वर्ल्ड्स apostrophe the world's five emerging economies was coined, idea was coined, पहली बार बोला गया था, coined, ठीक है, by a consultant 2 decades ago, I hope आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, हाँ ये वाला देखो, disarray का मीनिंग देखो, a state of disorganization or untidiness, देखो tidy, tidy होता है clear, clean, तो untidy लगा दिया तो not clean, all right। डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, केओस, क्या होता है, डिसएरे होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेसेयर नाउन है ये हमारा, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ऑब्जेक्ट्स टू अपोज समथिंग, जो अपोजिशन करता है, क्रिटिसाइज करता है, वो नेसेयर होता है, याद कर लो, ठीक है। ही कंटिन्यूज टू विन डिस्पाइट मैनी नेसेयर्स, बहुत लोगों ने बोला था कि ये कुछ नहीं कर सकता, स्टिल ही वन द मैच, ऑल राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्राई करो, नो 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 नो, ब्रिक्स ही रहेगा, ब्रिक्स करेक्ट है पाटीदार, शाही कृष्णा व्हाई नॉट, देखो गाइस व्हेन एवर यू राइट योर डाउट ना, प्लीज राइट थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, ओके, मैं चेक करता हूं आपका, व्हाई नॉट लीडर्स, शाही कृष्णा कौन सी लाइन में आप बात कर रहे हो, चेक करता हूं मैं, व्हाई नॉट लीडर्स, अब आप लीडर कौन सी लाइन की बात कर रहे हो, प्लीज राइट, प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ लाइन, जब भी आप बोलो कि सर यहां पे डाउट है ये वाली लाइन में, ओके, नेक्स्ट टाइम से, साई कृष्ण लीडर्स, ओके, समिट ऑफ लीडर्स, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, जो भी लिखा है वो करेक्ट लिखा है, जितना करेक्शंस थे वो इन्हें आपको बता दिए, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट देखो, ट्राई दिस वन, इसको ट्राई करो क्विकली, 2 मिनट के अंदर में चेक करो, चाइना, इंडिया, ये वाला, ये वाला वर्ब चेक करना है तो इधर वाला पार्ट चेक करो, इधर वाला पार्ट चेक करो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को चेक करो, अभिषेक वो करेक्ट था, थर्ड लाइन में लीडर्स, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं तो लीडर्स होगा, टेंशन, हाँ, आगे देखो, पाटीदार वो ब्रिक्स द आर्टिकल इसने लगाया कि वो पुरानी वाली चीज को नहीं, वो पुराने वाले आइडिया को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, नया इंट्रोड्यूस कर रहा है, अंडरस्टैंड करो कि वेन एवर वी गिव रेफरेंस टू प्रीवियस आइडिया, उससे रिलेटेड कहानी करते हैं तो द लगाते हैं, जब अपना नया स्टार्ट कर रहे हो, नया थॉट स्टार्ट कर रहे हो, टोटली अनरिलेटेड टू द पास्ट, तो वो ब्रिक्स करेक्ट है, वहां से वो नया थॉट स्टार्ट हुआ था, ऑलराइट। चलो,
ठीक है, अब यहां तक देखो, द इंडिया एंड चाइना हैड ब्योर्ड द ग्रुपिंग विद इट्स ग्रोथ। पहली बात तो ये इसको पकड़ो और एक करो इसको देखो, हमेशा वर्ब और प्रोनाउन को चेक कर लिया करो, ठीक है, कितने लोग हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ऑल राइट, एंड इवन दो द आइडिया बिहाइंड द ब्रिक्स हैव बीन, ओके ये भी हैव लिखा हुआ है, चेक करो सब लोग। तीन एरर तो मिल गया हमको, देखो यहां पे हैव है, समझ गया, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस तो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है, तो यहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। इंडिया और चाइना क्या होगा, हैव होगा। और सुनो, यहां पे द आइडिया के लिए हैज आया हुआ, चेक करो, द आइडिया बिहाइंड ब्रिक्स हैज, तो ये वाला क्या होगा हमारे पास में, हैज होगा। क्लियर हुआ सबको, ओके, थ्री रर्स क्लियर, इंडिया एंड चाइना हैव ब्योर्ड, ओके, फ्लो करना, फ्लोट करना मतलब इन अ गुड वे, ठीक है, द ग्रुपिंग विद देयर ग्रोथ एंड इवन दो द आइडिया बिहाइंड द ब्रिक्स हैज बीन डिम्ड, ओके, और यहां पे होगा बाई, डिम्ड बाई, स्लगिश, स्लगिश में जानते स्लो, न्यू वर्ड फॉर यू, लिख लो इसको, स्लो ग्रोथ। इन ब्राजील, ओके, डिम्ड बाई स्लो ग्रोथ, ये हमारे पास में गलत है। इन ब्राजील एंड इन साउथ अफ्रीका, देखो इन दो बार नहीं आएगा, एक ही बार लगेगा, इन ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, क्यों, सेम थॉट है, टोटली टू डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, तो दोनों का अलग अलग प्रीपोजिशन आता है, बट जब सिमिलर प्रीपोजिशन है तो एक ही लगेगा, तो ये वाले की हमें जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ऑलराइट, आराम से देखते चलो, मैं क्या बोल रहा हूं आप क्या देख रहे हो, रिलैक्स होके, क्लियर हो जाएगा, क्लियर, ग्रोथ इन ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इन ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इन ब्राजील एंड इन साउथ अफ्रीका नहीं होगा, इन होता, ऑन होता, डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस, देन वी विल ऑलवेज यूज डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन, बट अगर कॉमन प्रीपोजिशन है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, अक्षय साहू, यस वंडरफुल, यहां तक आ गए, ओके, एंड रशिया सेंस लेट एंड स्लो डाउन, ओके, ग्रुप हैज अडेप्टेड टू द टाइम्स एंड प्रूवन इट्स, ओके, अब ये चेक करो और इसको चेक करो, दिख गया सबको, हे ग्रुप के लिए इट्स आएगा कि इट इज आएगा, लिखो, टाइप करो सर कि इट्स या इट इज, कितने लोगों ने वेरीफाई किया था, रेज योर हैंड अगर आपने वेरीफाई किया था, ये तो ये वाला हमारे पास में क्या होगा, आई टी एस, और रेजिलियंट होता है एडजेक्टिव, रेजिलियंस, वी नीड नाउन फॉर्म, ये एरर भी आती है, एडजेक्टिव लिखा होता है लेकिन नाउन चाहिए होता है, वी नीड नाउन, एडजेक्टिव लिखा होता है, वाइस वर्सा, समझ गए स्टोरी, तो ये रेजिलियंस चाहिए मुझे। इट्स रेजिलियंस नाउन, क्लियर, जल्दी से बताओ, अच्छा कई लोगों ने देखा, पाटीदार, वंडरफुल वंडरफुल, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, एज अ रिजल्ट इवन एट अ टाइम, ओके हेलो, एक नई एरर जो आप लोगों ने, मैंने अभी तक आपको नहीं कराई है लेकिन ये एग्जाम में आती है, ट्रस्ट मी, रेडी फॉर दैट, एट अ टाइम, टाइम के लिए व्हेन होता है वेयर, यू डिसाइड, यू टाइप इन द कमेंट सेक्शन, यस सर सर व्हेन होता है व्हाट, ओके, टाइम के लिए व्हेन आता है वेयर एडवर्ब, प्लीज टेल मी, ऑफ कोर्स व्हेन, ठीक है, एट अ टाइम के लिए क्या जाएगा यहां पे हमारा, डब्ल्यू एच ई एन जाएगा। आर यू गाइस एंजॉयिंग इट, मजा आ रहा है, राइट, इवन एट अ टाइम व्हेन फाइव कंट्रीज, कंट्रीज में एस लगाए, थैंक गॉड लगाए, राइट, फाइव कंट्रीज आर हेडिंग, ओके, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इन अ डिफरेंट, अ डिफरेंट डायरेक्शंस, डायरेक्शंस प्लूरल, और एक ए दिखा रहा है,
अब एक बात सच हो सकती है, ईदर राइट और ईदर राइट डायरेक्शंस. अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं तो आई एम श्योर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस भी होगी. तो लेट्स इस छोटू को यहां से भगाते हैं. छोटू कहते हैं, हे छोटू, इट्स नॉट योर प्लेस, गो अवे. क्लियर हुआ? जल्दी बताओ. अब ये ए वाली बात क्लियर हुई? लिखो रिमूव ए, हैशटैग कर दो. डिफरेंट कहां गया? डिफरेंट डायरेक्शंस, मल्टीपल डायरेक्शंस. तो ए नॉट रिक्वायर्ड, तो दैट इज हाउ यू कैन वेरीफाई. समझ आ रहा है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है? जो लोग प्रिपेयर्ड हैं उनको मजा आ रहा होगा, और जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं आप भी इंजॉय करो. आप भी देखो, सर ने ओ एस लगाया इसलिए ए नहीं होगा. सिंपल. क्लियर? वंडरफुल. आ जाओ. एट अ टाइम when five countries are heading in different directions politically, they found ways, they matlab countries found ways, different ways to build, theek hai, common vision to build. ab dekho ek vision hai ya multiple vision. aap log bol rahe hoge ye to bada phasa diya, samundar mein ghuste ja rahe hain, but theek hai, you will enjoy it. batao how many visions are we talking about? common vision to ek vision hota hai na, yes or no? jaldi batao. ओके okay. ठीक है, यहां बताओ. तो अ कॉमन विजन, प्लीज टाइप अ कॉमन विजन. कि सर यस, कंट्रीज का एक कॉमन विजन मतलब एक ही विजन होता है सर, वी नो दैट. कॉमन फ्रेंड, एक ही फ्रेंड होता है. समझ गया? आ जाओ इधर. अ कॉमन विजन फॉर द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक फ्यूचर. इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल डिफरेंस जानने वाले तालियां बजा दो. एक एक नंबर है बॉस, ट्रस्ट मी. जितनी बातें कह रहा हूं इसमें सब में एक नंबर छिपा हुआ है. एक एक नंबर से ही 30 नंबर बनते हैं, आप जानते हो इस बात को. अब तालियां बजा दो जिन लोगों ने मेरा कंफ्यूजिंग वर्ड लिस्ट देखा है और जिनको पता है सर इकोनॉमिक इकोनॉमी से रिलेटेड है. इकोनॉमिकल सस्ता, चीप, नॉट स्पेंडिंग मनी, वो होता है इकोनॉमिकल. तो आर वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल सस्ता और आर वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक? हेलो एवरीवन, मजा आ रहा है? समझ गया? तो ये वाला भी गलत हुआ भाई. काउंट करते रहना एरर्स, आप काउंट करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत हो गया. ये रहा, ये वाला गलत है. हाँ, ये हुई ना बात. चलो बढ़ते जाओ. इकोनॉमिक फ्यूचर विद एन एम्फेसिस ऑन मल्टीलेटरलिज्म एंड अ जॉइंट स्टेटमेंट एट ब्राजीलिया दैट डिक्राइड यूनिलेटरल एंड प्रोटेक्शनिस्ट एक्शंस. बताओ कितनी एरर निकली फाइनली? हाउ मैनी एरर्स गाइज? ठीक है, डिक्राइड करेक्ट है, डिनाउंस कर देना, क्रिटिसाइज कर देना. ऑलराइट, चलो. हाउ मेनी एरर्स गाइज? अरे हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ गया? ओके, ये तो एक बचाई ना, किसी ने लिखा था इम्फेसिस ऑन होगा ना, एन होगा, एन. थैंक यू. ये वाला किसने लिखा था? तालियां. साई कृष्णा ने लिखा है 11 मिस्टेक्स, वंडरफुल. ओके, राजा लक्ष्मी, यस वंडरफुल. चित्रा मीना, यस एन होगा. साई कृष्णा, यस होगा. और भी बताओ. रिवीजन कर ले, पानी पी लो. रिवीजन करें, आओ. इंडिया एंड चाइना प्लूरल हैव. अब टेंस हैड होगा कि हैव, हाउ डू आई नो? आगे चलते ना, रास्ते में राम श्याम मिलेंगे, उनसे पूछेंगे, हे भाई लोग, आपके पास कौन सा टेंस है? बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है. ओके, तो मैं भी प्रेजेंट परफेक्ट कर लेता हूं. समझ गए? तो द इंडियन चाइना हैव वर्ड द ग्रुपिंग विद देयर ग्रोथ, प्रोनाउन देयर ग्रोथ, एंड इवन दो द आइडिया बिहाइंड ब्रिक्स हैज बीन डिम्ड बाय, ओके, डिम हो गया है, नॉट लाइट, डिम हो गया, डाउन हो गया है, बाय स्लगिश ग्रोथ, स्लो ग्रोथ.
इन ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका. दो बार इन इन नहीं आएगा, एक ही बार आएगा. एंड रसिया सेक्शन लेटन स्लो डाउन ग्रुप हैज अडेप्टेड टू द टाइम्स एंड प्रूवन इट्स रेजिलियंस एज अ रिजल्ट इवन एट अ टाइम व्हेन फाइव कंट्रीज आर हेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ए छोटू भगा दिया था पॉलिटिकली. दे फाउंड वेज टू बिल्ड अ कॉमन विजन, अ एक विजन, अ कॉमन विजन फॉर द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक फ्यूचर विद एन एम्फेसिस. थैंक यू एंड थैंक यू. क्लियर? आई होप सबने एंजॉय किया. ओके, ये आज तक की सबसे ज्यादा एरर निकली एक पैराग्राफ में. 11, इससे हाईएस्ट 9 था. नेक्स्ट देखो, चलो आओ. बी यू ओ वाई, लाइफ बॉय नहीं है ये वाला. ओके, तो कीप समवन और समथिंग अफ्लोट, किसी चीज को अफ्लोट रख रहे हो, सरफेस पे है, मतलब जिंदा है, अलाइव है, एक्टिव है. ओके, द क्रिएचर्स कुड स्विम बोथ वुड अप एंड कूल्ड बाय द वाटर. बी यू बाई ईडी, वुड अप जाता है, याद रखना. तैरते रहना, सर्वाइव करना, अफ्लोट रखना, ठीक है ना, सर्वाइव करना. चलो, डिम तो जानती हो, मेक बिकम लेस ब्राइट. स्लगिश मीन्स स्लो, क्वाइट, स्लो 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 स्लो. रेजिलियंस नाउन है, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली. रेजिलियंस का मतलब है कि आप कुछ भी आपने कुछ टेढ़ा किया और वो चीज़ आके फिर से सीधी हो गई, तो वो रेजिलियंस है. कैपेसिटी अपनी पहली वाली फॉर्म में फिर से आ गई. डिक्राई का मतलब होता है डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना. सेंसर, देखो ये वाली अच्छी स्पेलिंग है, CENSURE, सेंसर, क्रिटिसाइज करने वाला. एक होता है CNSOR. क्लियर? आई होप यू आर एंजॉइंग इट. आओ अभी याद रखना टोन और टाइटल, प्रसाद लेके जाना. समझ में आ रहा है सबको? चलो ये वाला ट्राई करो, बी क्विक. अब मैं थोड़ा फास्ट चलने वाला हूँ, पूरा कराना है ना, इसीलिए. कितना टाइम हो गया? चलो टाइम तो है भी. प्रसाद लेके जाना सब लोग, टाइटल और टोन लेके जाना घर पे. क्लियर? यस. यस अंशुल मिश्रा, यस. चलो, इट्स अ रिवीजन और ऑसम रिवीजन, ठीक है. आज 3 बजे अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लास है. प्लीज़ मेरा नाम सर्च करना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, ठीक है. नरेंद्र कुमार स्पेशल क्लास देखना. इनफॉर्मल लेटर मैं पढ़ाने वाला हूँ. रेडी? चलो रेडी हो जाओ. अब मैं आपको साथ में पढ़ा देता हूँ क्योंकि टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, बट आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग इट. इलेवन एरर, वंडरफुल. फॉर इंडिया इन पर्टिकुलर द आर्टिकुलेशन ऑफ दीज विजन पूजा यादव, वंडरफुल. ओके, बाकी लोग भी आंसर किया करो. आप लोग दो चार लोगों का ही नाम याद आता है, सब लोग बोला करो. आर्टिकुलेशन जानते हो, एक्सप्रेशन. ओके, डिस्क्राइब ऑफ, देखो दीज, देखो दीज को देखो यार, दीज होता है प्लूरल, तो आई एम एक्सपेक्टिंग प्लूरल नाउ, लेट्स चेक आउट. और विजन इज सिंगुलर. ओके, तो ओके द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस विजन कम्स, तो ये वाला क्या होगा? दिस होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है. विजन विजन रहेगा और ये क्या हो जाएगा? कम्स, सिंगुलर. ओके, फॉर इंडिया इन पर्टिकुलर द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस विजन कम्स एट एन इम्पोर्टेंट टाइम. ओके, गिवन दैट इट फेसेस, ये क्या होगा गाइज? एफ ए सी ई एस एस होगा. इट सिंगुलर, फेसेस. थैंक यू, थैंक यू. ओके, गिवन दैट इट फेसेस इट्स ओन इकोनॉमिक क्राइसिस, करेक्ट है. अब मेरी औसम वाली एरर आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड ट्रबल ट्रेडिंग, ना 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 ना,
ट्रेडिंग कैसी ट्रबल्ड, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये देखो ट्रेडिंग नाउन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रबल्ड होगा, टी आर ओ यू बी एल ई डी, ठीक है ना, और ये क्या होगा, ए डी जे होगा, याद रखना ई डी लगने वाले वर्ब नहीं होते, वर्ब होते हैं वो जब टेंस बताते हैं, ठीक है ना, तो ट्रबल्ड ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग कैसी, खराब ट्रेडिंग, बेकार ट्रेडिंग, परेशान ट्रेडिंग, ऑलराइट, चलो इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल ईडी वाला, वो एडजेक्टिव होता है, नाउन के फ्रंट पर बैठता है क्योंकि एडजेक्टिव है ना, दैट्स वाई ट्रबल ट्रेडिंग, ओके, टाइज विद सेवरल नेशंस, ओके विद सेवरल नेशंस, हाँ ये तो करेक्ट है, द फेलियर ऑफ ऑफिशियल टू रिजॉल्व इशूज, ओके द फेलियर ऑफ ऑफिशियल टू रिजॉल्व इशूज इन टाइम टू ज्वाइन, अब देखो एट टाइम, अब देखो ये एट टाइम दिखा रहा है, अब यहाँ पे दो कहानियाँ बन रही हैं गाइज, अब दिख रहा है ना क्लैरिटी सबको, ये एट से यहाँ पे इन आएगा या फिर ऑन आएगा, इन टाइम होता है टाइम से पहले ही सॉल्व कर लेना, ऑन टाइम होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे सॉल्व किया, और हमारा एट टाइम नहीं आएगा, इन टाइम आएगा, क्लियर, अंशुल मिश्रा थैंक यू, चलो स्टार्ट हो जाओ, पढ़ते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, यहाँ पे ऐट लिखा था, आपको दिख रहा है क्या ऐट, लेट मी चेक, मैं वीडियो में देखता हूँ, हाँ ऐट दिख रहा है आपको, द फेलियर ऑफ ऑफिशियल टू रिजॉल्व इशूज, ऑफिशियल का एक फेलियर हुआ है, ठीक है ना, ऑफिशियल्स की एक फेलियर हुई है क्या, कि वो इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए इन टाइम, टाइम से पहले, थैंक यू, ऑन भी नहीं चाहिए, ऑन कहता है एग्जैक्ट 9 बजे, और 9 बजे से पहले कोई चीज हो जाए वो होता है इन टाइम, क्लियर, थैंक यू, आप समझ गए, वंडरफुल, टू ज्वाइन द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, हैड रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर इंडिया इज रिवर्सिंग इट्स मार्केट लिबरलाइजेशन एंड ओपननेस टू ट्रेड, तो कितना एरर निकला इसमें जल्दी बताओ, हाउ मेनी एरर्स गाइज, इंडिया इज रिवर्सिंग इट्स मार्केट, रिवर्सिंग वापस करना, इट्स मार्केट करेक्ट जा रहा है, ठीक है, लिबरलाइजेशन एंड ओपननेस टू ट्रेड, हाउ मेनी एरर्स गाइज बताओ, देखो दीज विजन, ये वाला एरर आया, ठीक है ना, कम्स वाला एरर आया, ठीक है, और फिर ये वाला एरर आया था, ऑलराइट, फिर ये इन वाला एरर आया, इन टाइम, क्लियर सबको हुआ, क्लियर हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्राई दिस वन, बी क्विक, प्रसाद लेके जाना, टोन बता के जाना और टाइटल बता के जाना, क्लियर, अभी आने वाला है प्रसाद, आने वाला है, अच्छा लास्ट में हेड रेज्ड होगा, डाउट्स डाउट्स ले लेते हैं, आओ, For India, in particular, the articulation of this vision comes at an important time, given that it faces its own economic crisis and troubled trading ties with several nations. The failure of official to resolve issues in time to join regional, had raised questions about whether India is reversing. Okay. सब लोग चेक करो, had होगा कि नहीं होगा, कब की बात है? ये पास्ट की बात हो रही है या फिर हमारी प्रेजेंट की बात हो रही है, चेक करो, वेरीफाई करो, कौन वेरीफाई करके बताएगा, क्विकली गाइस, कैन यू वेरीफाई, ठीक है, फॉर इंडियन पर्टिकुलर आर्टिकुलेशन ऑफ दिस विजन कम्स एट अ टाइम, ठीक है, अभी चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, गिवन दैट इट फेस ओन इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी फेस कर रहा है प्रेजेंट में, ओके, और ट्रबल्ड ट्रेडिंग टाइज, ओके, बिजनेस खराब हो रहा है सेवरल नेशन, द फेलियर ऑफ ऑफिशियल्स टू रिजॉल्व इश्यूज एट अ टाइम, अब ये फेलियर हुई है, फेलियर कब हुई थी चेक करते हैं, प्रेजेंट में या पास्ट में, द फेलियर ऑफ ऑफिशियल टू रिजॉल्व इश्यूज, ठीक है, ठीक है, इन टाइम टू ज्वाइन रीजनल, ओके, हैड रेज्ड क्वेश्चंस, गाइज फेलियर कब हुई थी, पास्ट में, तभी तो प्रेजेंट खराब हो रहा है, डू यू एग्री, एग्री वाले एग्री लिखो,
कहीं ना कहीं हिंट होती है दोस्त, दोबारा देख लिया करो, कोई ना कोई वर्ड हमें बताएं। यह फेलियर कोई थी, द फेलियर ऑफ ऑफिशियल टू रिजॉल्व इशूज एट टाइम इन टाइम टू रॉइन इन टाइम, वो टाइम पे फेलियर, ठीक है ना, वो इशू रिजॉल्व नहीं कर पाए थे, पास्ट की बात है, चेक करो, पास्ट की बात है भाई। सोहन आर्यन, सोहन यहां देखो, ये फेलियर पास्ट में हुई थी जिसकी वजह से तो ये सब खराब हो रहा है। ओके, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, दैट्स वाई प्रेजेंट खराब हो रहा है। अब क्लियर हो गया, वो करेक्ट है, अब तो क्लियर हो जाएगा सबको। चलो इधर आ जाओ, क्विक, बी क्विक, 15 मिनट्स है हमारे पास में, बी क्विक। तो जब भी डाउट हो, जैसे मैंने चेक किया ना, हर वर्ड को चेक किया, तो आप भी वैसे ही चेक करो, आप भी पकड़ सकते हो। चैंपियन बनना है इंग्लिश में, ठीक है, सारी दुनिया शिकायत करती है इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते, मॉक नहीं आता, बला बला नहीं होता, आप कहोगे आई एम कूल। ओके चलो, आ जाओ, इट इज सिग्नी, सही पकड़ा आप लोगों ने, इट इज सिग्निफिकेंट, एडजेक्टिव सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो ये वाला गलत है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट मिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट ओके साई जिनपिंग यूज्ड द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म फॉर, ठीक है, कंटिन्यू टॉक्स। आप ही बता दो क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको बस हिंट लिखूंगा और मैजिक तो आप खुद करोगे, ये होगा ADJ। मैंने बस इतना लिखा है, करेक्शन आप मुझे खुद दोगे, अभी तो बोला था प्ले कंटिन्यूड, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन ये है, कंटिन्यूड टॉक्स, कैसी टॉक्स, कंटिन्यूड टॉक्स। चलो क्लियर, हाँ ओके। अंशुल मिश्रा वंडरफुल, शिल्पा हाय शिल्पा, शिल्पा वंडरफुल, तालियां। और किसने लिखा है प्लेटफॉर्म, राजा लक्ष्मी ने लिखा है, तालियां। अंशुल मिश्रा ने भी लिखा है, तालियां। साई कृष्णा भी लिखा है, बहुत लोग हैं, सुपर स्मार्ट हो गए आप लोग, वंडरफुल। तो ये क्या होगा, प्लेटफॉर्म, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, इनकरेक्ट वर्ड यूज भी हो सकता है, यहाँ वर्ड आना चाहिए था कुछ, आ गया है कुछ, वो भी होना चाहिए था, क्वाइंड क्वाइंड आया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ओके। प्लेटफॉर्म फॉर कंटिन्यू टॉक्स ऑन ब्रिंगिंग इंडिया बैक इन टू द आरसीईपी फोल्ड एंड, ये भी गलत है, यूज्ड फोकस्ड टेंस पैरेललिज्म, थैंक यू, रेज योर हैंड इफ यू पिक्ड दिस वन, जिसको पैरेललिज्म समझ में आया था लिखो, जो लोग पहले शिल्पा, द रेस्ट ऑफ द गाइस जो नए लोग वॉच कर रहे हैं, आई हैव अ मैसेज फॉर यू, गो टू माय प्लेलिस्ट, ग्रामर प्लेलिस्ट है नरेंद्र कुमार ग्रामर का, इसी चैनल चेक करो, शुरू के 10 वीडियोज जरूर देखना, 15 वीडियोज, न्यू पैटर्न एक प्लेलिस्ट है, शुरू के 40 वीडियोज जरूर देखना, नहीं देखा तो अपने लाइफ में कुछ नहीं देखा, ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है, इंडिया इन टू दैपन एंड फोकस्ड ऑन रिजॉल्विंग देयर ट्रेड इशूज थ्रू द रिसेंटली लॉन्च्ड मैकेनिज्म। गाइस देखो, मैकेनिज्म क्या है, नाउन है, मैकेनिज्म इज नाउन, तो नाउन से जस्ट बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जस्ट बिफोर एडवर्ब, ठीक है, तो लॉन्च्ड हमारा क्या हुआ, ADJ हुआ, तो मेरा ये वाला क्या चाहिए था मुझे, ADV चाहिए था, तो रिसेंटली, हाँ राइट। उत्कल, अरे भाई उत्कल तुम तो चैंपियन हो, तुम तो डेली वाले हो, ठीक है ना, सब देखता हूं मैं, देखता हूं मैं, ठीक है, मैकेनिज्म और लैड भाई, LED पास्ट टेंस, लैड भाई फाइनेंस मिनिस्टर्स, कितनी रन निकली इसमें हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रन निकले, ठीक है ना, वाई नॉट टॉकिंग, मनीष शाहू, मनीष कहाँ है भाई, मनीष शाहू, वाई नॉट टॉकिंग, कहाँ पे है टॉकिंग, ओ अरे नहीं 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 नहीं, टॉक्स जानते हो जो बातचीत होती है, नाउन, टॉकिंग तो वर्ब हुआ भाई, टॉकिंग एडजेक्टिव हो सकता है, टॉकिंग डिवाइस, तो डिवाइस यहाँ पे नाउन है, तो टॉकिंग एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, टॉकिंग नहीं होगा भाई, टॉक्स होगा, नाउन होगा, जब दो कंट्रीज के बीच में टॉक्स होती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो,
आप जिसने मनीषा साहू, आप न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, आपका दिल जानता है, प्लीज़ प्लीज़ 1 आवर डेली डिटेल में पढ़ो, कुछ समझ भी नहीं आएगा तब भी पढ़ो उसको, अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हो, कोई जॉब लेना चाहते हो, कोई इज्जत, कोई पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है ना, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट। सबसे नेसेसरी खाना खाने के बाद में और सोने के बाद में तीसरा काम यही है, न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर मैथ रीजनिंग कुछ और पढ़ना, ठीक है, आई होप यू विल फॉलो इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो प्रसाद लेना बाकी है, टाइटल और टोन लेना बाकी है, कहानी भी याद रखना, क्योंकि टोन आपको बतानी है, टाइटल बताना है। आओ, इन देयर प्रिस्क्रिप्शन, गाइस एक बात बताओ, ठीक है, अब देयर है, देयर तो क्या प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होगा, आप बस मुझे एग्री लिखना बस, क्योंकि अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, टाइम नहीं है, ठीक है, 1 आवर ही है हमारे पास, तो इन देयर मतलब ज्यादा लोग, प्लूरल, तो प्लूरल लोगों का प्लूरल होगा प्रिस्क्रिप्शन, थैंक यू, ओके, ठीक है, भंडारा होने वाला है, रुको भाई, ठीक है, इन देयर प्रिस्क्रिप्शंस ब्रिक्स कंट्रीज, कितने लोगों का दिल धड़क रहा है, सर जी कुछ अपना सा लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ, अरे भाई कॉमा के साथ में दैट कभी नहीं आता है, रेज योर हैंड अगर आपको ये बात पता है, जो लोगों को नहीं पता याद कर लो, कॉमा के बाद में दैट आता है नेसेसरी स्टोरीज, इसेंशियल स्टोरीज, मैंडेटरी पार्ट में आता है, कॉमा लगा के हम एक्स्ट्रा बात बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वो विच लगाता है, थैंक यू, ये सारी बातें रिविजन होगी, कंसेप्ट क्लास रात को होने वाली है, मेरा जो नोटिफिकेशन आए देखा करो यार, क्वेश्चन खत्म, और सबके साथ शेयर कर दिया करो, लाइक भी कर देना, ठीक है, और सुनो, इन देयर प्रिस्क्रिप्शंस ब्रिक्स कंट्रीज विच एक्नोलेज या एक्नोलेज्ड, पास्ट में एक्नोलेज्ड किया उन्होंने, ओके, विच एक्नोलेज्ड, लिखो ईडी, टाइप करो ईडी अगर एग्री करते हो, और नॉट एग्री करते हो पूछो मुझे कि सर व्हाई नॉट ईडी, विच एक्नोलेज्ड द वीकनिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द स्टेटमेंट, ठीक है, रिपीटेड, एक्नोलेज्ड, थैंक यू, अंशुल मिश्रा, वंडरफुल, हाउ कै, जोक्स मत मारो, फोकस करो, ठीक है, दैट एक्नोलेज द रिपीटेड देयर कमिटमेंट टू WTO थ्रो ओरिजिनल, यहां तक आ गए सब लोग, टू द WTO थ्रो दो द ओरिजिनल प्रोमोटर ऑफ द मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर, देयर कमिटमेंट टू द ओरिजिनल प्रोमोटर ऑफ द मल्टीलेटरल, स्पेलिंग रॉन्ग, मल्टीलेटरल होता है मल्टी, MULTILATERAL, प्लीज टाइप स्पेलिंग मिस्टेक, हैशटैग स्पेलिंग मिस्टेक, लिखो मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर, द US, भाई लोग अब आर आया है, आपका यार आया है, अब यार से पूछो कि तू सही वाला यार है गंदा वाला यार है, चेक करो सिंगुलर प्लूरल, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, पाटीदार फिर से पूछना, क्लियर, ठीक है, ये कौन है, तो सुनो आ जाओ फिर से देखते हैं, दो द ओरिजिनल प्रमोटर, हु इज प्रमोटर, कौन प्रमोट कर रहा है, ऑफ मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर द US इज ही आएगा, कितना भी बड़ा आदमी बना रहा है सिंगुलर वर्ब भी आती, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इज होगा, सब लोग देखो, चलो, इज रिट्रेंचिंग, सबने देखा भाई, ठीक है, जिस चीज को मैं फोकस कर रहा हूं उसको फोकस करो गाइज, ठीक है, रिट्रेंचिंग, ठीक है ना, स्पेंडिंग खर्चा कम कर देना, ठीक है ना, स्पेंडिंग खर्चा कम करना, इट्स इंटरेस्ट, मनोज साहू, हाय मनोज, वेलकम टू द क्लास,
ओके इट्स इंटरेस्ट इन द बॉडी, इट्स इंटरेस्ट इन द बॉडी सही है। दे प्रेजेंटेड ऑल्सो, देखो भाई अब ऑल्सो आ गया, मैंने बोला था कि ऑल्सो और टू टी डबल ओ एंड ओनली एंड ऑलमोस्ट, ठीक है बोलो कि यस सर आपने बोला था। इनका पोजीशन हमेशा चेक किया करो, आपको लगता है एरर डिटेक्शन डिफिकल्ट है, अगर फंडामेंटल्स आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तब तो कभी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता, डिफिकल्ट का ईजी होगा और करेक्ट होगा, क्योंकि मैं सारी कहानियाँ बता देता हूँ जो एक टेक्स्ट में हो सकती हैं पॉसिबल। एग्जामिनर जितना सोच सकता है मैं उससे आगे खड़ा बैठा हूँ, खड़ा भी हूँ बैठा भी हूँ, समझ गया ठीक है। चलो अब ऑल्सो देखो, ऑल्सो गलती होगी कि नहीं, दे प्रेजेंटेड ठीक है, ऑलराइट दे ऑल्सो प्रेजेंटेड मैन वर्ब से पहले जाएगा, इधर आ जाओ। अब विजन फॉर रूल्स बेस्ड ट्रांसपेरेंट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन फ्री एंड इंक्लूसिव इंटरनेशनल ट्रेड वाइल कमेंडिंग, कमेंडिंग मतलब प्रेस करना तारीफ करना, कमेंडिंग द ब्रिक्स लेड न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड द ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल इन इंश्योरिंग दैट ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है ब्रिक्स कंट्रीज तो ये क्या होगा ड्राइवर्स होगा प्लूरल, ड्राइवर्स होगा और है राज विश्वास ठीक है। प्लस कोर्स में 5 कोर्स कंप्लीट हो गए, छठवां भी चल रहा है, तो सारा खत्म कर दो। अब आप क्या करते हो आप देखो, अब वो खत्म कर दिया आप, यू विल बिकम एन अनस्टॉपेबल फोर्स, कोई नहीं रोक पाएगा आपको और आपका दिल जानता है ठीक है। हाँ मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ इन द पास्ट डेकेड ठीक है। अब ये देखो कंटिन्यूज, सब लोग चेक करो, कंटिन्यूज टू प्रेजेंट, अब ये कंटिन्यूज कहां से आया हुआ है, दे प्रेजेंटेड दे ऑल्सो प्रेजेंट अ विजन फॉर रूल्स बेस्ड ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन फ्री इंक्लूसिव इंटरनेशनल ट्रेड व्हाइल कमांडिंग द ब्रिक्स लेड न्यू दिल्ली बैंक एंड द ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल इन इंश्योरिंग दैट ब्रिक्स कंट्रीज मेजर ड्राइव ऑफ ग्रोथ इन द पास्ट डेकेड कंटिन्यू टू प्रेजेंट, तो ये क्या होगा कंटिन्यू सी ओ एन टी आई एन यू कंटिन्यू टू प्रेजेंट, प्लूरल है ना कंट्रीज प्लूरल, तो हमें क्या चाहिए कंटिन्यू, क्लियर यस जोशना यू विल प्ले। अभी तो क्या है आपने दोस्त 2 महीने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, जब 6 मंथ हो जाएंगे तो आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि कोई सा एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाओगे, एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड कैट एग्जाम RBI कोई सा भी इंग्लिश होगा, बस आप 6 महीने तक रुकना मत, एक्चुअली जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ओके एरर हो गया, चलो तो रिट्रेंचमेंट जो था हमारा वर्ड इसको देखो, द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट और स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक डिफिकल्टी, जब घर में इकोनॉमिक डिफिकल्टी हो गया ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका पैसा कम कर देते हैं, क्लियर ऑलराइट। कमेंट प्रेज ऑफिशियली तारीफ करना होता है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। चलो मैं लास्ट पैराग्राफ स्किप कर दिया हूँ, 2 क्वेश्चन हैं, प्रसाद ले लो भगवान जी का, भगवान जी का प्रसाद लो सब लोग, व्हाट्स हैपनिंग गाइस जल्दी बताओ, चेक करो व्हाट कुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर द स्ट्रक्चर, किसकी बात हो रही थी, ये हमारे पास में क्या है 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है ठीक है सिनिकल। चलो मैं आपको इनफ टाइम दूंगा, आराम से आप देखो, पहले तो आप इसकी
आई थिंक सबने कर दिया। आओ चलो चेक करते हैं। तो टाइटल वो होगा जिसके बारे में टॉपिक डिस्कस हुआ है, जिसके बारे में स्टोरी लिखी गई है। व्हाट बेस्ट टाइटल? ब्रिक्स कंट्रीज ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड मोर इंटर ग्रुपिंग ट्रेड टू गेट अहेड। तो ब्रिक्स कंट्रीज का तो बात हो रहा था और कनेक्टिविटी की बात हो रही थी। यूएस यूएस का फोकस नहीं था, ब्रिक्स कंट्री का था। यूएस वॉज वन ऑफ द फैक्टर, याद है ना। यूएस तो एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन थी। चलो इंडिया एंड यूएस अगेन ब्रिक्स कंट्रीज की बात हो रही थी। WTO नॉट सिनिकल इज अ पर्सन जो ये सोचता है कि अगर ये मेरे से कह रहे हैं न्यूज पेपर पढ़ो तो लगता है इनका कुछ फायदा होगा, डाउट करने वाला। ऑलराइट, अग्रेसिव नहीं होगा। लॉडिट्री, लॉडिट्री जानती हो, प्रेज करना, तारीफ करना। ऑब्स्टिकस होता है सर्वाइल, SERVILA, सर्वाइल। ऑलराइट, ये होता है अब्यूजिव, लिखो सब लोग अब्यूजिव। बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ओके क्लियर। तो देखो आप ये बताओ, ये टाइटल हमारा अब्यूजिव था या फिर मतलब सर्वाइल था, मतलब कि जी हजूरी करने वाला, बटरिंग, ये बटरिंग है। लॉडिट्री मतलब कि तारीफ करने वाला है कि अच्छा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अग्रेसिव निगेटिव है। एक्चुअली ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। देर इज ओनली वन लॉडिट्री पॉजिटिव है। बताओ ये इसकी कहानी लॉडिट्री है क्योंकि तारीफ की जा रही है, उन्होंने अच्छा कर दिया। वेरीफाई करें क्या गाइस? डू वी नीड टू वेरीफाई? गाइस क्लियर हुआ सबको? जल्दी बताओ। चलो मैं आपको वेरीफाई कराता हूं। इधर आओ, इधर देखो कैसे हम लोगों ने टोन पकड़ना था। अगर टोन पकड़ना सीखना चाहते हो, देखो द स्टॉर्म क्लाउड्स गैदरिंग वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रेडिंग अरेंजमेंट इंटरसारी क्वेश्चंस ओवर द रिलीवेंस। ओके ओके, समिट लीडर्स चाइना, ठीक है, कुड नॉट हैड कम ऑन मोर अपॉर्चुन टाइम। मतलब अच्छा टाइम पे ये समिट हुआ है ब्रिक्स का। ओके, ब्रिक्स हैव प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव किया है, इट्स नेसियर्स रॉन्ग, उनके लोगों को गलत प्रूव कर दिया। मतलब ब्रिक्स ने अच्छा किया है, टोन अच्छा जा रहा है। ओके ऑलराइट 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 ऑलराइट। अब आगे देखो, यहाँ पर चेक करो सब लोग, टोन अच्छा जा रहा है। चाइना वॉइड मतलब ऊपर तैर रहा है, मतलब सही चल रहा है बिजनेस। ऑलराइट ऑलराइट, ग्रुपिंग बिजनेस ग्रोथ एंड इवन दो द आइडिया बिहाइंड। ओके ओके ओके, ग्रुप हैज अडेप्टेड टू द टाइम्स और प्रूवन इट्स रेजिलियंस, रेजिलियंस प्रूव कर दी है। इसका मतलब है पॉजिटिव टोन है। गाइस सबको क्लियर हो गया, पॉजिटिव टोन है। ब्रिक्स कंट्रीज को यहां पे पॉजिटिव लाइट में शो किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। चलो ठीक है, आई होप सबने एंजॉय करा। आई विल शेयर द PDF एज वेल। तो हर रोज हम लोग ये करते रहेंगे, आई होप, ठीक है। आपको सारा एरर डिटेक्शन हो जाएगा, टोन और पता चल जाएगी आपको। हर रोज मैं डिफरेंट डिफरेंट टोन लेके आऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओके एंड दोज गाइज हु वॉन्ट माई प्लस कोर्स, डू वन थिंग, सब्सक्राइब एंड स्टार्ट वॉचिंग, दैट्स इट, ठीक है। मेरा YouTube कोर्स पूरा कर दो, खत्म, फास्ट फॉरवर्ड, YouTube खत्म और प्लस खत्म कर दो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ऑल द बेस्ट। अभी 3 बजे क्लास है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, उसको अटेंड करो, सबको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। रात को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, रेडी हो सब लोग? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे हम रात को। अब मैं चाहता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंडेटरी पार्ट होता है हर एग्जाम का, तो उसे डेली पढ़ाता हूँ, वो मार्क्स श्योर हो जाएंगे आपके। पैराजम्बल कहाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको? अनअकैडमी, वो भी फ्री क्लास है। ऑल द बेस्ट।
ऑल राइट ठीक है गाइज, लाइक शेयर कर देना, थैंक यू।